नमस्ते आप सभी को, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे कमेंट करते हो, इसलिए थैंक यू सो मच। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्यों मैं YouTube पर आई, कैसे मैंने YouTube में वीडियो डालना शुरू किया, वही थोड़ा बहुत बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब ये थे तभी हमने दो वीडियो डाले थे, एक मेरे बेटे का था डांस का वीडियो और एक हम दोनों को था, तभी इन्होंने हम दोनों ने मिलके वीडियो डाले थे। तब उसके बाद हमने कभी डाले नहीं थे, 4-5 मंथ हो गए उसके बाद हम रिटायर आने के बाद ये सब हो गया हमारे साथ। तो इतना दुख होता था, मतलब क्या बताएं आपको, जब वैसे कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते थे उसका जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करती थी, जैसे मृत्यु के ऊपर वीडियो देखती थी मैं ज़्यादा कि क्यों होता है हमारे साथ ऐसे, क्या पहले से लिख के आता है क्या, बहुत ऐसे कुछ मन में सवाल थे, क्या वो हमारे साथ रहते क्या जाने के बाद, ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका प्रश्न उत्तर जानने के लिए मैं YouTube पर ऐसे वीडियो देखती थी। तो उसके नीचे के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसे दुख बहुत लोगों के साथ है, बहुत लोगों को ये दुख का सामना करना पड़ता है। तब उस उनके कमेंट पढ़ के और उनके प्रोफाइल पिक्चर में जाके मैं उनके YouTube चैनल पर जाके उनके YouTube वीडियो देखती थी कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो मुझे भी ऐसे लगता था चलो मेरे भी ऐसे कोई वीडियो देखेगा तो किसी को मदद हो जाएगी, किसी को मदद हो जाएगी, क्योंकि जब अपने जब बिछड़ते हैं ना तब दर्द क्या होता है, उन जिनके कोई अपना बिछड़ गया है उनको ही पता है कि इस दर्द का मुकाबला सामना करने में बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने YouTube पर वीडियो डालना शुरू किया और इतना खुशी से जिंदगी जीते जीते अचानक से इतना दुख का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ता है, तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत दर्द होता है। लेकिन बच्चों के लिए बाहर निकलना भी पड़ता है क्योंकि बच्चों को मम्मी के सिवा और कोई मतलब इतना पास नहीं रहता जितना वो मम्मी से सबको शेयर करते हैं, और मैं मेरे बच्चों के लिए सच में इससे बाहर निकलूंगी धीरे धीरे और सब कुछ करूंगी, हम दोनों ने मिलके जो सपने देखे थे वो सब मैं बच्चों के पूरे करूंगी, करने की कोशिश करती रहूंगी, और बस यही बोलना चाहती थी, यही शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच।